अजमेर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी रिजु झुंझुनवाला और साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बुधवार को पूर्व सरवाड़ क्षेत्र के एक दर्जन गांवों का चुनावी दौरा किया। चुनावी दौरे की शुरुआत गांव शोकलिया से हुई और जिसके बाद सराना, शेरगढ़, गोयला, फतेहगढ़ सहित एक दर्जन गाँव में इन दोनों ने जनसंपर्क किया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और भाजपा को वादा खिलाफी सरकार बताया। वहीं शर्मा ने यह भी कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही गरीब लोगों के खाते में सालाना 72,000 रुपए डाले जाएंगे। सभी ने जनसंपर्क में कांग्रेस प्रत्याशी रिजु झुंझुनवाला को भारी मतों से विजय बनाने की मतदाताओं से अपील की और रिजु झुंझुनवाला ने कहा कि जनता के विश्वास पे वे पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और इस मौके पर संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत, जिला देहात के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और मंत्री पुत्र सागर शर्मा, ब्लॉक के अध्यक्ष प्रधान धाकड़, कई कार्यकर्तागण भी इस मौके पर मौजूद दिखे। मुझे यहाँ पर आपके साथ बैठ के बस दो ही बातें करनी है, कैसे है अजमेर को गोयला।